वैष्णवी हेल्दी फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हरे कद्दू के बहुत अच्छी रेसिपी बनाऊंगी, इसकी सब्जी बनाऊंगी। इसमें विटामिन कई तरह के पाए जाते हैं, विटामिन ए और सी और ई पाया जाता है, फाइबर प्रोटीन भी पाया जाता है, और जो हमारी इम्यूनिटी मजबूत करता है हरा कद्दू, और एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, कब्ज दूर होता है। हरा कद्दू बहुत ही फायदेमंद होता है और वजन कम करता है। इसमें आयरन पाया जाता है तो खून की कमी दूर होती है, एनीमिया की खतरा नहीं रहता है, और ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, इसलिए हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो आप कद्दू जरूर सेवन करें, अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसकी सब्जी बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, और इसकी बर्फी भी बनती है, हलवा भी बनता है, कोई भी रेसिपी बना लें। तो चलते हैं किचन में, देखें कैसे बनाती हूँ। तेल कम से कम यूज करूँगी, तेल आप कम डालें, और जो मसाले हम यूज करेंगे, मसाले कोई दिक्कत नहीं करते हैं, मसाले सभी हेल्दी हैं, किसी न किसी रूप में मसाले फ़ायदा करते हैं, चाहे वो जीरा, सौंफ, मेथी, कुछ भी डालो, बस तेल कम डालें। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैं 1 किलो कद्दू ली हूँ, लेकिन आधा यूज करूँगी, आधा किलो अच्छे तरीके से धोकर तब यूज कर रही हूँ। मैं इसे काट ले रही हूँ, आधा यूज करूँगी, छिलका नहीं उतारूँगी क्योंकि नरम है, सिर्फ इसके अंदर के बीज निकालेंगे। हरा कद्दू कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी मजबूत होती है, कद्दू खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है, कब्ज वगैरह नहीं होता है पेट में। ऐसे काट कर इसका बीज निकालेंगे, छिलका बिल्कुल नहीं उतारेंगे क्योंकि बहुत नरम है। और इस तरीके से बीज उतार कर इसको छोटा छोटा काट लेंगे। इसमें आप चाहें तो दाल डाल के बना सकते हैं, या तो ऐसे बना लें। आज मैं दाल नहीं डालूंगी, सिर्फ कद्दू ही बनाऊंगी। इसके लिए मैं 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन कलियां, 1 प्याज जो मैं धो ली हूँ, मिर्च काट ली हूँ, अदरक को ग्रेट कर ली हूँ, और 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ गरम होते ही, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मेथी दाना डाल लेंगे, इसे ब्राउन होने देंगे। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, प्याज को तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जल्दी प्याज पक जाए, नमक डालने से प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाती है। आधा पकी है, अभी ब्राउन नहीं हुई है, इसमें मैं लहसुन डाल दे रही हूँ, और ये अदरक भी डालूँगी, हरी मिर्च बाद में डाल लूँगी। लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे, तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। जितना अच्छा मसाला बनाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैं पहले हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। इस तरीके से आप सब्जी बनाकर एक बार खा कर देखें, बहुत टेस्टी बनती है, हेल्दी तो है ही पर टेस्टी बहुत होती है। इसमें मैं कद्दू डाल दे रही हूँ, थोड़ा भूनूंगी 1 मिनट तक, फिर और मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, बस अभी 2 मसाले डालकर लगभग 3-4 मिनट गैस का फ्लेम कम करके भून लेंगे। अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे ताकि मसाले इसमें पक जाए। और इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम ढक देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, कद्दू में इतना पानी होता है कि अपने पानी से गल जाए, आप चाहें तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद मैं देख ले रही हूँ, थोड़ा गल चुका है कद्दू और पका भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पका है, कुछ और मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ और आधा चम्मच गरम मसाला, मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर। हरे कद्दू की सब्जी में आमचूर पाउडर और मेथी दाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है, तड़के में मेथी दाना ज़रूर डालें।
फिर मैं इसे 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक दे रही हूँ, पूरी तरह से गल जाए कद्दू और मसाले भी आपस में घुल मिल जाते हैं। अब अच्छे तरीके से ये गल चुका है, खुशबू अच्छी आ रही है। मैं थोड़ा दबा कर देखूँगी कद्दू गला कि नहीं। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, एकदम दब रहा है, कद्दू गल चुका है। चाहें तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालें। कद्दू की सब्ज़ी तरी वाली नहीं अच्छी लगती है, उतार ले रही हूँ। सब्ज़ी अच्छे तरीके से तैयार है, इसे आप रोटी परांठा किसी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे लंच में भी ले जा सकते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, इसे बच्चे भी पसंद करते हैं। एक बर्तन में मैं निकाल ले रही हूँ। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हो तो इसमें नींबू डाल लें, हरी मिर्च अच्छी लगती है आप हरी मिर्च डाल लें। अब इस तरीके से सब्जी बनाएं, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तेल कम डालेंगे तभी सब्जी हेल्दी बनेगी। तो इस तरीके से हरे कद्दू की सब्ज़ी आप बनाकर खाएं, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे तो हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ एक ऐसे हेल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।